नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले ऐसी अतरंगी शादियों के बारे में जिन्हें देखकर आपके हौस उड़ जाएंगे, तो दिल को थाम कर बैठें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई? कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र? हाँ, मेरी उम्र है 50। तो दोस्तों, आपको दादी को देखकर क्या लगा? दादी 50 साल की उम्र में दुल्हन बनना चाहती हैं। दादी को क्या सूझ रहा है ये तो मुझे समझ नहीं आ। जनता माफ नहीं करेगी। तेरी? मेरी 18। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। 50। अबे तेरी बहन को नमन, सही बता दे। 16 बता रही है, 17 बता रही है। करना क्या चाहता है भाई, दूध पीने की उम्र तेरी? झूठ मत बोल, मारूंगा, बहुत तेज की मारूंगा, जल्दी बता। 18 ही है यार। झूठ भी बोल रहा है, जल्दी बता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। अबे भोसड़ी के 18 बता रिया है, इसे कोई बताओ भाई, ये नाबालिग है, इसे अंदर करवाओ कोई। पैसा तेरे दौरे, कितना पैसा है? बहुत पैसा, बहुत पैसा। तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही है इसका? ये मेरा जीवन साथी है, मैं इससे जीवन साथी। पैसा ही पैसा हो गया। अरे मेरे भाई, शर्म करो भाई, तुम्हारा जीवन साथी नहीं, तुम्हारे पोते के समान है दादी। बस कुछ समय और बाकी है, बस चल बसना है। शादी करी आप दोनों? हां जी। कितनी एज है भाई आपकी? 21 है। और इनकी कितनी एज है? 52। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। अब इन दूल्हे भाई साहब को देख लो, दूल्हा 21 साल के हैं और दुल्हन 52 साल की है। अब इन दोनों में ऐसा प्यार का भूत सवार है कि प्यार में भैया कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग खुश हो मतलब इस शादी से? दोनों जी, खुश है। क्या सीन है? बस दादी, जब तक तुम्हारी हड्डी में जान है ना, तब तक ही तुम खुश रहोगी। मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है इन पे, क्योंकि मैंने 3 साल देख लिया। अरे दादी जी, मरने का भरोसा नहीं होता, दादी को प्यार में भरोसा है। कहने वाली बात वही हुई कि दादी को जवान करो और लौंडा को अपने कब्जे में करो, यही वाली बात हुई ना। प्यार की कोई एज नहीं होती, प्यार की एज नहीं होती, बस दिल देखा जाता है इंसान का। इंसान अच्छा तो सब ठीक है। अरे तेरी बहन को नमन, तेरी एक बात तो मेरे को सही लगी कि प्यार की कोई एज नहीं होती, ये तो ठीक है। पर भाई, दादी की हड्डियाँ देख लेता, कहाँ कहाँ टूटी हैं, मजबूत हैं क्या? नहीं मेरे भाई, कुछ दिन और बाकी हैं, बस फिर तो जाना ही है। जिंदगी में पहला बार सुहाग है तुम्हारा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे भोसड़ी के दद्दू चूतिया बना रही है, क्या बोल रहे हैं? पहली बार दद्दू ने इतने डाके डाले होंगे कि भैया देखते ही आदमी चौकन्ने हो जाते होंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। शर्मा के मुन फेरो नजर के सवाल पे। अरे दद्दू, अच्छे काम कर ले, नहीं तो तू तो गया गया, तेरी तो फिर साले मरने के लिए तुझे जमीन नसीब नहीं होगी। तो क्या हो रहा है, पूरी बात बता। तुम पीछे रहो, पूरी बात बोल 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 बोल, है ही नहीं कुछ। बोलना, मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर ले। आ गया, देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। इसने उस दिन पार्टी चल रही थी, इसने नशे में मेरे साथ बदतमीजी की। ओए बदतमीजी की तूने? और मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? बच्चे ने अपनी मम्मी को ही पेल दिया भाई, ये क्या हो रहा है? अब कुछ भी संभव है भाई, अब आज के जमाने में। क्यों? क्यों? वैसे क्या मारा कहाँ से रहो? हम शादी करके आ रहे हैं। तुम शादी करके आ रहे हो? हम शादी करके। अच्छा, शादी करके आ रहे हो भैया? हाँ जी। हैं? शाबाश मेरे जिगर के टुकड़ो, अब हनीमून भी मना लेते। अबे भोसड़ी के कहाँ भाग रिया है, शादी की है तूने, कोई मजाक तूने किया है? अब लुका छिपी कौन खेलेगा, क्या हम खेलेंगे साले? गाइज, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए आविष्कार में, तब तक के लिए वंदे मातरम।